सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। भारत के पहले सोलर मिशन आदित्य L1 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने शुक्रवार 1 सितंबर को यह जानकारी दी। इससे पहले इसरो वैज्ञानिकों की एक टीम आदित्य L1 मिशन के मिनी मॉडल के साथ तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंची। भारत का पहला सौर मिशन 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए इसरो चीफ एस सोमनाथ ने गुरुवार को चेन्नई में बताया था, रॉकेट और सैटेलाइट तैयार हैं, हमने प्रक्षेपण के लिए अभ्यास पूरा कर लिया है। आदित्य L1 अंतरिक्षयान को सूर्य के परिमंडल के दूर से अवलोकन और L1 पर सौर हवा का वास्तविक अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे पृथ्वी से 15,00,000 किलोमीटर दूर सूर्य पृथ्वी प्रणाली के L1 पॉइंट की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इस पॉइंट की खासियत है कि यहाँ सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बेअसर रहते हैं, जिसके चलते वस्तुएं इस जगह पर रह सकती हैं। इसे सूर्य और पृथ्वी के अंतरिक्ष में पार्किंग पॉइंट भी कहा जाता है। ये भारत का पहला मिशन है जो सूर्य के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया है। ऐसे समय में इसे अंजाम दिया जा रहा है जब हाल ही में इसरो ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग कराकर इतिहास रचा है। इसके साथ ही दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कराने वाला भारत दुनिया का पहला और इकलौता देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, सोवियत यूनियन और चीन चांद पर सफल लैंडिंग कर चुके हैं, हालांकि इनमें से कोई भी दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतर सका। वहीं दूसरी तरफ भारत का आदित्य L1 मिशन किस तरीके से कारगर साबित होगा, ये देखने वाली बात होगी। खबरी चौखट की रिपोर्ट।